अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। सोशल स्टडीज़ में हम आमर्स फैमिली का जो चैप्टर पढ़ रहे थे पहला, उसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हम पेज नंबर 7 से पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने दो ऑप्शन दिए हुए हैं, जो आपको सही ऑप्शन लगे उसको आपने यहाँ पर खाली जगह में लगाना है। ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है अंकल एंड आंट आर आवर, तो ये या तो रिलेटिव्स होगा तो या नेबर्स होगा। तो जो राइट ऑप्शन है वो है रिलेटिव्स, तो अपने रिलेटिव्स को टिक कर देना है। ठीक है, अंकल एंड आंट आर आवर रिलेटिव्स, इसको टिक कीजिए। सेकंड स्टेटमेंट है मिस्टर करीम मिसेस करीम एंड देयर किड्स आर आवर नेबर्स। ठीक है, ये फैमिली नहीं है, ये नेबर्स में है, तो इनको हम नेबर को टिक करेंगे। ठीक है, नंबर 3 है पीपल लिविंग नेक्स्ट डोर आर आवर नेबर्स, जो हमारे घर के साथ रहते हैं वो हमारे हमसाए होते हैं, वो नेबर्स होते हैं, तो यहाँ पे जो नेबर्स है उसे हम टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 4, वी ऑल लिव इन दिस कंट्री या अनदर कंट्री, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है दिस कंट्री, तो ये हो जाएगा वी ऑल लिव इन दिस कंट्री, तो दिस कंट्री को आपने टिक करना है। ठीक है, लास्ट वाला है माई अदर रिलेटिव्स लिव इन देयर ओन होम्स। ठीक है, ये राइट ऑप्शन है, इसको आपने टिक करना है। माई होम में नहीं रहते, वो अपने घर में रहते हैं, तो ये होगा माई अदर रिलेटिव्स लिव इन देयर ओन होम्स। ठीक हो गया, पहले का रिलेटिव्स है, दूसरे का नेबर्स है राइट ऑप्शन, तीसरे का नेबर्स है, चौथे का दिस कंट्री है और पांचवें का देयर ओन होम्स है। ठीक है, आपने मेरे इस वीडियो की मदद से और जो मैं पिक सेट करूँगी आपको उसकी मदद से आपने अपना बुक वर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।